दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं जुलाई 2023 में प्रदोष व्रत जो है वो कब पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है, महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि प्रदोष व्रत जो है वो क्यों है खास, तो यह व्रत जो है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। अलग अलग दिन में पड़ने वाले प्रदोष की महिमा का जो वर्णन है वो अलग अलग देखने को मिलता है। 2023 में जुलाई महीने में जो है वो शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत शनिवार को 1 जुलाई 2023 में पड़ रहा है। और यह कब प्रारंभ होगा, तो 1 जुलाई 2023 को रात 1:17 से जो 1 जुलाई है वो रात को 11:07 तक जो है वो प्रदोष व्रत रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि हर दिन जो जैसे जिस भी महीने में जिस भी दिन पड़ता है प्रदोष व्रत, तो हर दिन का अलग अलग महत्व जो है वो बताया गया है। तो जैसे सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी इच्छा के अनुसार जो फल है वो आपको मिलता है। और अगर आपकी चंद्रमा जो है वो खराब हैं तो सोमवार का प्रदोष व्रत अगर पड़ता है और अगर आपने इस व्रत को कर लिया तो आपका जो चंद्रमा है वो सही हो जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों की संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको सोमवार का प्रदोष व्रत जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से संतान की उत्पत्ति जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। अगर मंगलवार को प्रदोष व्रत जो है वो पड़ता है तो इसको वोम प्रदोष व्रत कहते हैं। और इस व्रत को करने से स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं, और अगर आपने जीवन में कर्ज जो है वो ले रखा है तो वो भी दूर हो जाता है। अगर बुधवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो यह व्रत जो है वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। अगर गुरुवार वाले दिन पड़ता है तो अगर पितरों का आशीर्वाद आप चाहते हैं या आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खतरे जो हैं वो मंडरा रहे हैं, तो आपको गुरु प्रदोष व्रत जो है वो ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगर शुक्रवार को प्रदोष पड़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन और संपदा जो है वो आपके जीवन में हमेशा देखने को मिलती है, इसलिए शुक्रवार का प्रदोष व्रत जो है वो आपको अवश्य रूप से रखना चाहिए। अगर शनिवार को प्रदोष व्रत जो है वो पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। और अगर पुत्र प्राप्ति चाहते हैं आपके घर में कन्या रूपी धन जो है वो पहले से ही है, और अगर आप अपने पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको शनिवार का प्रदोष व्रत जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। और ऐसा करने से नौकरी में भी पदोन्नति के योग जो हैं वो बन जाते हैं। और शनिवार वाले दिन साथ ही साथ शनिवार वाले दिन जो प्रदोष व्रत होता है उससे शनि दोष तो समाप्त हो जाता है, और शनि दोष जो है वो अगर आपके जीवन में मरड़ा रहा है तो वो भी समाप्त हो जाता है। और साढ़े साथी या ढहिया से जो भी व्यक्ति परेशान है तो उनकी भी परेशानी से उनको छुटकारा मिल जाता है, और भगवान शिव की का जो आशीर्वाद है वो भी प्राप्त हो जाता है, और आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो भी पूर्ण हो जाती हैं। तो इस व्रत को अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं, तो प्रदोष काल में उपवास के सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और जो मंदाग्नि को शांत जो है वो करता है, इसलिए हरे मूंग का सेवन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्य चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए, हालांकि आप उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। नित्य कर्म से निपटने के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा स्थान को भी बहुत ही अच्छे से शुद्ध कर लेना चाहिए। साथ ही साथ गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करना चाहिए, और मंडप तैयार करने के बाद में 5 रंग के अलग अलग कलर से रंगोली जो है वो बनाना चाहिए। फिर उत्तर पूर्व की दिशा को मुख करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए, और अन्न जो है वो इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत जो है वो अभी 1 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं तो जो शनि प्रदोष व्रत है वो 1 जुलाई को दिन शनिवार को रखा जाएगा, और शाम को 7:06 से लेकर 9:10 तक आप कभी भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। यह सबसे उत्तम मुहूर्त जो है वो बताया गया है। इस बीच आप कभी भी भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा जो है वो कर सकते हैं।
अगर प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में बताऊं तो प्रदोष व्रत को करने से दीर्घायु, शांति और सौभाग्य की प्रार्थना के लिए आपको जो प्रदोष व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जरूर करना चाहिए। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने वाले अपने पिछले और वर्तमान के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ चंद्रदेव को एक राजा के श्राप से मुक्त कराया था। यदि व्रत को श्रद्धा के साथ रखा जाए तो इस दिन सभी अनुष्ठानों का पालन अगर पूरी लग्न से किया जाए तो भगवान महादेव भक्तों के सारे कष्टों को समाप्त कर देते हैं और उन्हें स्वास्थ्य, धन और बुद्धि का वरदान जो है वो दे देते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन आपको किस तरीके से पूजा जो है वो करनी चाहिए, तो इस दिन आपको सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए या रुद्राभिषेक अवश्य रूप से करना चाहिए। रुद्राभिषेक के लिए गंगा जल, गाय का दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, समी के पत्ते, शहद और अक्षत जो है वो अर्पित करना चाहिए। प्रदोष व्रत की शाम को भगवान शिव का पूजन किया जाता है। सायंकाल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए और धूप दीप जो है वो करना चाहिए। इसके बाद फूल और मिठाइयाँ अर्पित करें, फिर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना बहुत ज़्यादा फलदायी माना गया है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और घर में सुख समृद्धि की कामना अगर चाहती हैं तो उनको प्रदोष व्रत जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। तो आने वाली 1 जुलाई को आप सब प्रदोष व्रत जो है वो जरूर कीजिए, क्योंकि जो प्रदोष हैं वो 1 महीने में 2 बार आती हैं, 1 कृष्ण पक्ष में और 1 शुक्ल पक्ष में। तो प्रदोष व्रत को करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में सब कुछ आपके मन मुताबिक हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय।